हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाकाबंदी तोड़ भाग रहे तस्करों को पकड़ा, 40 किलो डोडा पोस्ट किया बरामद। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मामला दर्ज है, मामले में चल रहा आरोपी फरार। सरियारी थाना अधिकारी सुरेश सारन ने जोजावर से मारवाड़ जंक्शन जाने वाले रास्ते पर गुड़ा मोकम सिंह चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान जोजावर से एक काले कांच की स्विफ्ट डिजायर आ रही थी। बंद काले कांच को देखते ही पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन स्विफ्ट कार में बैठे ड्राइवर ने तेज गति से नाकेबंदी को तोड़कर भागने लगा। तभी कुछ ही दूरी पर कार का पहिया पंचर होने से कार वहीं रुक गई। पुलिस ने कार का पीछा किया, तभी कार में बैठे दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर सीट पर बैठे तस्कर केसाराम पुत्र चेनाराम जाट निवासी सियोल पुलिस थाना बायतू जिला बाड़मेर को पकड़ लिया। पुलिस ने कार में रखे 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपी केसाराम के खिलाफ पूर्व में भी पुलिस थाना नीमच कैन मध्य प्रदेश में भी अवैध डोडा पोस्ट का मुकदमा दर्ज है, जिसमें आरोपी फरार चल रहा था। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।